Okay. आज हम लोग हेलो जो आधुनिक आवर्त सारणी है आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी कैसे हम याद करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस तरीके से हम चार ब्लॉक में बांटते हैं, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अगर इस आधुनिक आवर्त सारणी की हम बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के हमारे 18 वर्ग हैं, पहला, दूसरा, और ये दोनों वर्ग हमारे एस ब्लॉक के हैं। फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग ये हमारे डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। अगला वर्ग हमारा 13, 14, 15, 16, 17 और उसके बाद 18। ये सभी ब्लॉक हमारे जो वर्ग हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। नीचे जो आपके तत्व रखे गए हैं, 14 इस वर्ग में और 14 इस वर्ग में, इसे हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इनकी जो वर्ग संख्या है वो तीसरी दी गई है, ये तीसरे वर्ग में रखे जाते हैं। इसी आधुनिक आवर्त सारणी को जो मुजदे की संशोधित आवर्त सारणी थी उसके हिसाब से अगर वर्ग के रूप में विभाजित करें तो जो पहला वर्ग है उस पहले वर्ग को हम लोग लिखते हैं फर्स्ट ए, दूसरे वर्ग को हम लोग लिखते हैं सेकंड ए, उसी तरीके से तीसरे के लिए थर्ड बी, फोर्थ के लिए फोर्थ बी, फिफ्थ के लिए फिफ्थ बी, सिक्स्थ के लिए सिक्स्थ बी, सेवेंथ के लिए सेवेंथ बी और फिर एट्थ के लिए इसमें 3 ग्रुप किए जाते हैं, 8, 9 और 10। और ये जो 11 वाला ग्रुप है इसको हम लोग लिखते हैं फर्स्ट बी और 12 वाले ग्रुप को हम लोग लिखते हैं सेकंड बी। फिर उसके बाद बी ब्लॉक में जो आने वाले वर्ग हैं जैसे ये 13 है तो 14, 15, 16, 17, 18 तक, तो इनकी अगर बात करें तो 13 के लिए लिखा जाता है थर्ड ए, 14 के लिए फोर्थ ए, 15 फिफ्थ ए, 16 सिक्स्थ, 17 सेवेंथ और फिर उसके बाद ये जो सबसे लास्ट में वर्ग हमारा आता है इसके लिए हम लोग लिखते हैं 0 ग्रुप। ये मोजने की संशोधित आवर्त सारणी के रूप में लिखा गया, जो शुरू में सबसे पहले था संशोधित आवर्त सारणी के रूप में उसमें ये वर्ग किए गए थे, लेकिन बाद में इसको संशोधित करके और आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में जब इसको विभाजित किया गया तो इसको कम से 1 से लेकर के और 18 तक के वर्ग दे दिए गए। तो खड़े जो कॉलम है वो हमारे वर्ग है और इसमें
सात आवर्त बनाए गए, एक दो तीन चार पांच छह सात। अगर इसको इसी क्रम में आगे बढ़ाए पांचवा छठवा और सातवा, तीसरा वर्ग फिर चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारह और बारह। उसी तरीके से बी ब्लॉक में भी जो पहला आवर्त है इसमें एक यहां तक और एक यहां तक, इसी वजह से पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। जो पहला आवर्त है इसे हम लोग अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त की बात करें तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, दूसरे में और तीसरे में कुल मिलाकर के तत्वों की संख्या जो होती है वो आठ आठ रहती है, और इसी वजह से इन दोनों आवर्त को हम लोग लघु आवर्त कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करिए चौथे और पांचवे आवर्त की, तो दो तत्व बीच के दस और फिर छह, कुल मिलाकर के अठारह तत्व चौथे आवर्त में और पांचवे आवर्त में, इसमें भी अठारह और इसमें भी अठारह। इसी वजह से इस आवर्त को हम लोग देव आवर्त कहते हैं। आखिर में आपका आता है छठवा और सातवा आवर्त। तो जैसे मैंने कहा कि ये एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके लिए वर्ग जो है वो तीसरा दिया गया है, तो इन चौदह तत्वों को यहां और इन चौदह तत्वों को यहां। इस हिसाब से अगर देखें तो छठवें और सातवें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 32-32 हो जाती है, और इसी वजह से छठवें और सातवें आवर्त को हम लोग अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो अति लघु आवर्त में तत्वों की संख्या दो, लघु आवर्त में आठ आठ, दीर्घ आवर्त में अठारह अठारह और अति दीर्घ आवर्त में 32-32 तक। तो ये समझ गया आप। अब इसी में हम क्या करेंगे कि पहले वर्ग में कौन से तत्व हैं, फिर दूसरे में कौन से हैं, तीसरे में कौन से हैं, फिर ये सीरीज में कौन से तत्व हैं, इन सारी चीजों को हम लोग याद करेंगे और ये जानेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को कैसे हम लोग याद करते हैं और कैसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को आसानी से कुछ ही समय में हम लोग लिख सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें पहले वर्ग की, तो पहले वर्ग के अगर तत्वों को हम लोग लिखें, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है ये पहला वर्ग है और फर्स्ट है, इसमें जो तत्वों को रखे गए हैं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवा। याद करने के लिए हे मीना ने की रब से फरियाद, ये हमारा पहला वर्ग हो गया और इन तत्वों को हम चाहें यहां पर रख सकते हैं। अगर हम इन तत्वों के शुरुआत के परमाणु क्रमांक याद कर लें तो आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी तत्व रखे जाते हैं उन सबके हम परमाणु क्रमांक भी आसानी से याद कर सकते हैं। यहां हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का
तीन सोडियम, 11 पोटेशियम, 19 रुबिडियम, 37 सीजियम का 55 और उसके बाद कैल्शियम का 70। ये हमारे इनके परमाणु क्रमांक लिखे जाते हैं। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और कैल्शियम का 87। इसके बाद वाला अगर वर्ग देखें तो वो हमारा दूसरा वर्ग है। तो दूसरे वर्ग में ठीक लिथियम के सामने रखते हैं तो हम लोग लिथियम के सामने ऐसे बना सकते हैं, दूसरा वर्ग है इसको सेकेंड भी लिखा जाता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। याद करने के लिए एक ही ग्रुप में देख मग्गे का सर्कल ऐसे इसको हम लोग याद कर सकते हैं। अब हमने जैसे यहां लगा लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो ठीक इसके बाद है 4, इसका 11 था तो ठीक इसके बाद 12, 19, 20, 37, 38, 55, 56, 87 और 88। इस तरीके से पहला और दूसरा वर्ग हम लोग याद कर लेते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग आगे के वर्गों के तत्वों को लिखना चाहें तो इसके बाद कौन सा आता है, डी ब्लॉक वाले तत्व रखे जाते हैं। ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं वर्ग 3 से लेकर के 12 तक। अब इनको हम लिखेंगे कैसे, इनको याद करते हैं। तो सबसे पहले ये आवर 4, 5, 6 और 7, इसका मतलब ये जो 3 से लेकर 12 तक के वर्ग है डी ब्लॉक के, तो पहला इसमें जो आवर्त आता है वो चौथे आवर्त में आता है जो वर्गों की संख्या है 10। फिर उसके बाद पांचवें आवर्त में, फिर छठवें आवर्त में और फिर सातवें आवर्त में। तो सबसे पहले हम चौथे आवर्त के तत्वों को लिखेंगे। तो चौथे आवर्त के तत्वों को लिखने के लिए यह हमने लिखा एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के और 30 तक, याद करने के लिए सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रिस्टल मैन, फिर को नी क्यों जाने, ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक। ये हमारे चौथे आवर्त के तत्व हैं। अब पांचवें आवर्त के तत्व, ये एटॉमिक नंबर 39 से लेकर के और 48 तक, इनको पांचवें आवर्त में रखा गया है। याद करने के लिए ये मुझे लगता है शायद सबसे आसानी से याद हो जाएगा, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी
रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त होता। परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के 48 तक ये तत्व हमारे पांचवे आवर्त में रखे गए। फिर उसके बाद छठवें आवर्त की अगर हम बात करें, लैंथनम परमाणु क्रमांक 57, फिर परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के और 71 तक के तत्व जो है वो लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहे जाते हैं, और उनको हमने कहा रखा है आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे एफ ब्लॉक में उसे रखा है। तो अगला जो परमाणु क्रमांक का तत्व होगा वो परमाणु क्रमांक 72 का होगा। परमाणु क्रमांक 57 होता है, 58 से 71 तक के तत्व हमारे ब्लॉक में रखे गए हैं, और फिर ये परमाणु क्रमांक 72 से लेकर के और 80 तक ये रखा जाता है। इनको याद करने के लिए लाया हूं तेरे वास्ते रहमत और इश्क पर सोने, सोना है आपका औरम, सोने मरने वाला। इस तरीके से हमारे छठवें आवर्त के तत्व हो गए। और फिर उसके बाद हम लोग सातवें आवर्त के तत्वों की बात करें, तो यहाँ परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व रखा है एक्टिनियम, और फिर परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के और 103 तक के तत्व आपके ब्लॉक में रखे गए। तो अगला जो तत्व होगा परमाणु क्रमांक 104 का, उसे यहाँ रखेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 112 तक, कॉपर मीसियम तक। इनको याद करने के लिए एक जैसे ऊपर का पैटर्न था वैसे ही कुछ अलग तरीके का पैटर्न एक्टिनियम के लिए। अक्की का, अक्की ऐसे अक्षय कुमार का निक नेम है अक्की, इसीलिए यहां पर अक्की लिखा है। अक्की का रफ दबंग, दबंग से मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, दबंग संग भाई हसी मोटवानी के डीएस के लिए डरने स्टेडियम स्टेडियम में ये आरजी है, विलियम रोंडेल के नाम पर रखा गया है, रोंडेजियम रोंडेजन के साथ, और सीएन कॉपर मीसियम के लिए सी होगा। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं अक्की का रफ दबंग संग भाई हसी मोटवानी के डब्ल स्टेडियम में रोटेजन के साथ सीन होगा। अब आप क्या कर सकते हो, ये लाइंस बना दो,
इस तरीके से यह हमारा तीसरा वर्ग, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा वर्ग, दसवा, ग्यारहवा और बारहवा। ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व है जिनको चौथे आवर्त से लेकर के और सातवें आवर्त तक रखा गया है। लिख लीजिए, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों को लिखा, अब हम पी ब्लॉक के तत्वों को लिखेंगे। किस तरीके से उनको याद करते हैं, यह हमारा पी ब्लॉक है। इस पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर के और 18 तक तत्व रखे गए हैं। इसमें ये पहले आवर्त में, फिर दूसरे, तीसरे, चौथा आवर्त, पांचवा, छठवा और सातवा, इस तरीके से हमारे तत्व लिखे जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करें जो दूसरे आवर्त में तत्व रखे जाते हैं तिरहवें वर्ग के। तेरहवें वर्ग के लिए जिसको हमने लिखा पहले थर्ड ए, इसमें ये तत्व रखे गए आपके याद करने के लिए, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, नहीं लिया, ये हमारे वर्ग 13 के तत्व होते हैं। परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो ठीक उसी तरीके से दूसरे आवर्त में आप लोगों ने जैसे देखा कि ब्लॉक के तत्व रखे गए थे बेरिलियम का, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 था तो इसका 5 हो गया। ठीक इसके पीछे मैग्नीशियम था, परमाणु क्रमांक 12 था तो इसका 13 हो गया। इसके बाद हम पूरे आवर्त सारणी बनाएंगे तो पूरा ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो वर्ग है जिसे फोर्थ कहते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फ्लोरबियम, याद करने के लिए काशी, जीत, शंकर, पहुंचे, फूल, लेकर, फूल लेकर मतलब यहां पर फ्लोरबियम। इसके बाद वाले वर्ग की बात करें तो ये 15 वर्ग जिसे हम लोग फिफ्थ ए भी लिखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और उसके बाद मास्कोबियम। रूस की जो राजधानी मास्को है उसके नाम पे इसे रखा गया है मास्कोबियम। याद करने के लिए नेपाल, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब, बिस्मत, मांगे, सब बिस्मत, मांगे,
मास्को में, इस तरीके से ये हमारे 15वें वर्ग के तत्व हो गए। फिर अगला जो वर्ग है 16, जिसे हम लोग सिक्स से भी कहते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम और लेवल वाइट, इस तरीके से हमारे तत्व रखे गए हैं। याद करने के लिए उससे डिपो लीवर है, यह हमारे 16वें वर्ग के तत्व हो गया। इसके बाद वर्ग क्रमांक 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन और टेनिसन, ऐसे इसमें रखे गए हैं। अब इन तत्वों के लिए याद करने के लिए फिर कल बाहर आई एसी टेनिसन में ऐसे ये वर्ग क्रमांक 17 तक के हमारे तत्व हो गए। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा वर्ग है यहां पे हमारा 18वां वर्ग आ जाता है, वर्ग क्रमांक 18, इसे 02 पे लिखा जाता है, प्रकृति में निष्क्रिय है, लेकिन इसमें भी एक ऐसा तत्व है जिसे विचित्र गैस कहते हैं, जीनॉन, कुछ इसके यौगिक बनते हैं। इसमें तत्व जो रखे गए हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ऑक्सीजन, इनको याद करने के लिए हे नियॉन, अड़कर जिंदा रहना, ओजी के साथ जो लास्ट ओजी है उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक ठीक उचित तरीके से 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से इनके परमाणु क्रमांक हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने शुरुआत के परमाणु क्रमांक याद कर रखे थे वैसे ये भी याद हो जाएंगे। इसके लिए परमाणु क्रमांक 2, नियॉन का 10, 18, 36, फिर उसके बाद 54, फिर उसके बाद 86 और लास्ट में सबसे 118, ये इनका परमाणु क्रमांक है। अगर इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो सबके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और हीलियम के पहले कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए इसमें 2 श्रेणियां हैं, एक लेंथेनाइट श्रेणी और दूसरी एक्टिनाइट श्रेणी।
इससे ये कुल हमारे 14 तत्व रखे गए हैं लेंथेनाइट श्रेणी में, जो सीरियम से स्टार्ट होता है, सिप्रस, हाइड्रू, पैन, संभालो, इसमें गुड़िया, टाइम, देखते रहो, अरे तुम परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के और 71 तक ये तत्व इस लेंथेनाइट श्रेणी में रखे गए। अब ठीक इसके नीचे एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व रखे गए हैं। हमने जैसे आप जानते हो कि डी ब्लॉक में जो तत्व है एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89, और फिर उसके बाद 90 से लेकर के 103 तक के तत्व ठीक इसके नीचे रखे गए हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व 14 तत्व इस एक्टिनाइट श्रेणी में रखे गए। थोरियम, प्रोटोक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्चूनियम, प्लूटोनियम, इस तरीके से तत्व रखे गए। इनको याद करने के लिए तुमसे पहले उस नेप्च्यून, प्लूटो में अमेरिका के सीएम, वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं लेकिन हम लोग को यहाँ याद करने के लिए हमने लिख लिया है सीएम, अमेरिका के सीएम पर हीलियम से ये कैलिफोर्निया के नाम पर रखा गया, कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया में आइंस्टीन फर्मी मेंडेलीव की नोटबुक ली, इसे याद करने के लिए सबसे लास्ट में लॉरेंसियम, तुमसे पहले उस नेपच्यून प्लूटो ने अमेरिका के सीएम बर्केलियम से कैलिफोर्निया में आइंस्टीन फर्मी मेंडेलीव की नोटबुक, ये नोबेलियम है, नोटबुक ली। इस तरीके से कुल हमारे 14 तत्व हो जाते हैं एफ ब्लॉक के। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी कुछ ही समय में बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। ऊपर वाला जो तत्व रखा गया है ये सब लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व और नीचे वाले तत्वों को एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व।